हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच करके उसको रखिए ऑल पे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भाई सभी लोग निकाल रहे हैं हमारा आधार कार्ड, और आधार कार्ड निकाल के अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए वो साबित होता है। तो बस आधार कार्ड तो निकाल दिया, मगर इसी का जो अपना एड्रेस होता है वो हर बार चेंज होता है। यानी कि हम जॉब पे जाते हैं और अपना एड्रेस है वो चेंज होता है। तो बस इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं हूँ सागर और आप देख रहे हैं जस्ट एक्स। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर आपको अपना करंट एड्रेस चेंज करना है किसी दूसरे पते पे, तो उसके लिए आपको डिजिटल सेवा केंद्र या फिर हमारा भारतीय डाक है वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप लीजिए और फुल डिटेल्स के साथ उसको भर दीजिए कौन सा एड्रेस है वो। और उसके बाद अपना नंबर आने के बाद आपकी वहाँ पर एक फ़ोटो निकाली जाएगी, अपनी जो आँखों की रेटिनाज होती है उसको भी कॉपी किया जाएगा और आपकी फिंगरप्रिंट्स भी स्कैन की जाएगी। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो करंट एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे मूव होगा। अगर आप वेल एजुकेटेड है और आपको अच्छी तरह से अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो यूज़ करना आता है, यानी कि कोई वेबसाइट है उसको ब्राउज करना आता है, तो आप अपना जो एड्रेस है वो बस चुटकी बजाते ही चेंज कर सकते हैं। तो वह कैसे होता है कि आपको अगर कुछ दूसरा डिटेल डालना है, यानी कोई दूसरा एड्रेस है, तो वह कौन सा जो फ्लोर है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, या फिर कौन सा रोड, कौन सा मार्ग और कौन सा नगर है, वो आप वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे लैपटॉप या फिर मोबाइल पे ब्राउज़र ओपन करना है, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ पे एक वेबसाइट है www.uidai.go.in, ये वेबसाइट है उसको ब्राउज करना है। और ब्राउज करने के बाद जो हमारा नीचे वाला ऑप्शन है वहाँ देखना है कि अपडेट यूअर एड्रेस। तो कैसे करना है एड्रेस, उसके लिए जो आधार कार्ड है वो डालना है और नीचे जो सिक्योरिटी कैप्चा है उसको भी डाल करके सेंड ओटीपी पे टच की। तो उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसी ओटीपी के को ध्यान में रख के उस ओटीपी को सबमिट कीजिए, और बस जो अपडेट एड्रेस हुई एड्रेस प्रूफ के साथ आपको वो अपडेट करना पड़ेगा। तो वहाँ जाके आपको जो मैंने पहले बताया कि कौन सा रोड, कौन सा ब्लॉक, सब कुछ ऐड करना है। उसके बाद जो आपका आधार है वो आप प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो आपका एड्रेस है वो कुछ दिनों के बाद अपडेट होने लगेगा। तो ये आप पर्सनली यूज़ कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए, और दूसरे लोग हैं वो भी अभी ऐसे ही आधार निकाल सकते हैं और आपका आधार अपडेट करेंगे। तो यही है आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, यानी कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर।